जब देश का फकीर 10 करोड़ की गाड़ी में चल सकता है, देश का फकीर 1.25 लाख का चश्मा पहन सकता है, देश का फकीर 1 करोड़ का पेन रख 1 लाख का पेन रख सकता है, देश का फकीर 8.5 करोड़ के हवाई जहाज में चल सकता है, देश का फकीर 22 हजार करोड़ के महल में रह सकता है, तो वो फकीर रह सकता है, देश का किसान नहीं लौट सकता। और एक एसी कितने का आता है? 25-30 हजार का होगा एसी, है तो ये भी नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज, किसान का इनकी नजर में किसान है क्या? कमर मुड़ी हुई हो, कपड़े फटे हो, पैरों में चप्पल ना हो, चेहरे पे झुर्रियां हो, हाथ में कटोरा हो, इनकी नजर में वो किसान है? वो उनका निजी कमरे में सो रहे हैं। हम किसानों ने ही तो ये बना के दिया, और वो कि अपने उसमें कमरे में, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए ये कमरे में चले जाते हैं वो, वरना वो तो यहीं बैठे रहते सारा दिन, किसी भी तंबू में लेट के सो जाते हैं वो। हो सकता है उस दिन इसमें लेट गया हो और उसी ने वही फोटो खींच लिया। देखिए, किसानों का मसीहा है वो, माननीय टिकैत साहब, और किसानों का मसीहा अगर लेट भी नहीं सकता तो किसान एसी में नहीं रह सकता। एक दो यहाँ लगा दी, कोई अधिकारी आ रहा है, वे एसी में रहते हैं, उन पर बैठा नहीं जाएगा। अगर इतनी दिक्कत है तो तय करो ना, टिकैत साहब कल से धूप में खड़े होकर तुम्हें बाइट देंगे, ले लोगे? कि टिकैत साहब के एक आंसू पर सैलाब आया था, और अगर एक टोपा खून जमीन पर गिर गया तो धरती में भूचाल आ जाएगा, ये बता देना उन्हें, कि जो टिकैत साहब की तरफ को उंगली उठा रहे हैं, देश में भूचाल आ जाएगा। ये हम किसानों की चेतावनी है सरकार को, वो देखे, उसने तो कह दी झोला उठा के चल दूंगा, है? देश के प्रधानमंत्री का काम होता है कि जनता से कहे कि मैं झोला उठा के चल दूंगा? सारा देश बेच दिया, अब झोले में लेके क्या जाएगा? किसी भी बीजेपी के नेता को बुला लो, प्रधानमंत्री से लेके किसी को भी, 5 शब्द मैं देता हूं कि ये मत बोलना, 5 मिनट बोल नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान और पाकिस्तान, इन 5 के अलावा अगर 5 मिनट कोई भी बीजेपी का बोल जाए तब बताना। तो क्या जनता ऐसे शब्द चाहती है कि हमारे देश की जनता नहीं चाहते हैं? हाँ। ये लोग जो आरएसएस और बीजेपी और ये गोदी मीडिया, क्योंकि वो तो खरीदा हुआ, तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, काला धन भी थारा आ गया, GST से भी नोट आ गया, सारे संस्थान बेच दिए, रिजर्व बैंक खाली कर दिया, जो रिजर्व पैसा था वहाँ बंगाली शब्द में खेला होबे, और उत्तर प्रदेश में हिंदी शब्द में देसी भाषा में खदेड़ा होबे, धकेला होबे। राम राज में अपहरण होते हैं क्या? राम राज में बेटियों को जलाया जाता है क्या? राम राज में पुलिस को पीट के अपराधियों को छुड़ाया जाता है क्या बीजेपी के द्वारा? उसे राम राज कहते हो? राम राज में जो अपराधी, सेंगर का नाम सुना नहीं, याद है? उन नाव भी बता दूं, और साक्षी महाराज से भी पूछ लियो, वो बहुत बोल रहे हैं कि उन नाव में सेंगर के आदमी ने उस लड़की को मारने का, उसके बाप को मारने का जिस पे आरोप है, बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट ही उसे दिया है, तो अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? गोरखपुर में बीजेपी के गुंडों ने, पुलिस ऐसे खड़ी है, DM के कार्यालय में पर्चा नहीं भरने दिया दूसरी पार्टी के को, और पीट के भगा दिया, वीडियो है सामने, आज तू ही बता दे अच्छे काम बता दे, एक अद्धा कौन सा अच्छा काम है बता, मरम्मत हो गई है। कौन से इसको? राम मंदिर बन गया। राम मंदिर तुझे खाने को देगा या इन्हें किसानों को खाने को देगा? राम मंदिर ना तुझे खाने को दे ना मुझे खाने को दे। हाँ, राम मंदिर में खाने को दिया किसे? चंपत राय को चंपत लगाने के लिए, योगी को, मोदी को। क्या कोई किसान सोए भी ना? बताओ, अगर किसान के सोने पे भी पाबंदी है भाई, ये एसी का रूम है, ये उन्हीं पत्रकारों के लिए है, चाटुकार पत्रकारों के लिए,
कि अगर टिकैत साहब यहाँ किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो वो पत्रकार आकर के इसमें बैठ जाएं, क्योंकि वे एसी में ही रहते हैं, उन्हें बाहर गर्मी लगे पत्रकारों को, तो उनके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था करा रखी है। अब टिकैत साहब जरा सा भाई सोना भी तो चाहिए, 24 घंटे उन्हें जगाना ही है, वो जरा सी देर को लौट गए, उसमें किसी ने वो भी फोटो खींच लिया। हरिंदर जी, जिस तरह से फोटो खींचा गया है, टिकैत साहब सोए हुए हैं, नींद में हैं, वो उनकी एक निजता पे हमला किया गया है, और जो जिसने ये काम किया है वो हमला भी कर सकता है, क्योंकि टिकैत साहब पे पहले भी हमले भी हुए हैं, उनको धमकी भी दी गई जान से मारने की, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाएंगे टिकैत साहब? देखिए बिल्कुल, मेरी अपनी निजी राय है, हाँ, कि जिसने भी वो फोटो खींचा उस पर कार्रवाई करानी चाहिए। लेकिन जब किसान आए थे बॉर्डर पर, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने एसी वालों ने, जो एसी कल्चर के लोग हैं, उन्होंने ये तीनों कानून बनाए हैं। पहले किसान एसी वालों का विरोध करते थे, आज किसान खुद एसी में आ गया है। तो आप चाहते नहीं हो किसान की तरक्की हो, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि किसान थोड़ा भी ऊपर उठे, आप चाहते हैं कि किसान वही रहे दबा कुचला। हम यही तो कल्चर को बदलने के चक्कर में आए हैं। सरकार यही तो चाहते कि किसान जो आगे बढ़े। अरे बढ़े कैसे बढ़ेगा, तीनों कानून जो है वापस कराने चाहते हैं, लेकिन आप तो और इन कानूनों से किसान का भला कैसे होगा? इसी से तो एसी वाले में आएंगे। बताओ कैसे आएंगे। कानून में जो बातें बताई गई उनका ये कहना है सरकार के नुमाइंदों का कि आय दोगुना होगी किसानों की, उपज का। तो आप एक काम कर लीजिए, सरकार से कहो हमारा गेहूँ की MSP 1975 रुपये है, किसान ने गेहूँ डाला, सरकार प्रधानमंत्री कहते हैं के 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, 1975 का डबल करो और अगले साल का चेक दे दो हमें, अब पैसा ही नहीं चाहिए, कराओ ऐसे होगी डबल। अभी 22 आई कहाँ है? अरे चेक दे दो, हम अगले साल बुला लेंगे, तब विश्वास करेंगे। तो यही तो हम पूछना चाह रहे सरकार से, कि किसान से तो पूछ लिया, 5 रुपये का कैनोला 145 रुपये MRP है, कोई पूछता है उसे? हरिंदर जी, जिस तरह से टिकैत साहब की फोटो खींची गई है, उनके पास आसपास तो सिक्योरिटी वाले रहते हैं, किसान भी रहते हैं, पुलिसकर्मी भी रहते हैं, ये जरूरत किसने करी है, ऐसे कौन लोग हैं? देखो भाई, अब ये तो जांच का विषय है, जांच होगी उसकी। ये कोई किसानों में से ही है, कोई बाहर का आदमी है? कैसे कह देंगे, बिना देखे मैं किसी से कैसे कह दूं? हमारा किसान कोई नहीं कर सकता ऐसा, किसी रहता कौन है उनके साथ? अरे यार, यहाँ सब रहे हैं, तुम भी तो रहो, तुम पत्रकार ना हो, सोते हैं कमरे में है? अरे कोई भी चला जाए उसमें, किसी को कोई बैन लगा रखा किसी का? मैं तो ऐसे लगा बैन रहा। तुम तो एक बेकार की बात करते हो, ठीक है, साहब से मिलने पे, उनके कमरे में जाने पे किसी पे बैन नहीं है। अच्छा। कोई भी मिलता, कोई भी आता, कोई भी जाता, यहाँ कोई वो थोड़ा ही है, कोई यहाँ से धन दौलत रखी कि तुम चले जाओगे, टिकैत साहब की धन दौलत ले जाओगे उठा के? वो जनप्रिय नेता हैं, जनता से मिलने से ही तो जनप्रिय बने हैं, फोटो या प्रधानमंत्री की थोड़े तरह थोड़ा ही है, 7 लेयर सुरक्षा में रहेंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। एसी वाली फोटो काफी जो है वायरल हो रही है, लोग लिख रहे हैं कि क्या किसान ऐसी लड़ाई लड़ेगा सोकर के एसी में? ना, सारी रात यहाँ बैठा रहेगा किसान, जो पूछ रहे हैं, जो इन्होंने सवाल किया है, वे कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में, वे भी तो एसी में रहते हैं। नहीं, कौन सा ये फसल थोड़ा ही उगा रखी है, आंदोलन है, आंदोलन आंदोलन की तरह चलेगा। अब आंदोलन चलाना हमारा काम है, हमें कैसे चलाना आदेश टिकैत साहब करेंगे, हमें अपनी खेती भी करनी है, देश की जनता का पेट भी भरना है, नहीं तो भूखी मर जाएंगी। यूपी में चुनाव आने वाले हैं करीब 7-8 महीने के बाद में, किसान किस तरह का रुख अपनाएगा अपने चुनाव में? जिस तरह से बंगाल गए थे, क्या ऐसे यहाँ भी करेंगे? उससे भी ज़्यादा होगा, वो हमसे 2,500 किलोमीटर दूर था और ये तो हमारा घर है। हरिंदर जी, काफ़ी कम सीटें आई थी BJP की, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में अभी 1 महीने बाद थी, लेकिन जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है, हमें लगता है वो बाजी मार जाएगी, BJP सब ज्यादा बना लेंगे। आज तुम ही तो कहते थे राम राज है, तुम ही पूछते थे कि योगी जी कहते हैं राम राज है, राम राज में अपहरण हो? अगर मैं चोर था तभी तो उसे दूसरे को लाए थे, और तुम भी वही काम करोगे तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया? फिर ये कैसे कहते हो कि हम अच्छे हैं, दूसरा बुरा था? ये कहो कि पहले वाले भी चोर थे और हम भी महाचोर हैं, ये कहलवाओ। आपने BJP को वोट दिया था, इसका मतलब? मैंने नहीं दिया। क्यों, आपने तभी कहा हम इसलिए लाए थे?
किसे? अरे हम का मतलब क्या होता है? मैं नहीं बोलता, क्यों? मैं बकरे ने की तो कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ ले गया नद्दाक। नद्दाक जानता है किसे कहते हैं? जो रुई ढूंढता है। कुछ ले गया नद्दाक, जब पड़ी मार तूड़ी की, तो मैं की जगह तू ही निकलने लगा। तो वो हम मैं नहीं है, मैं तो रावण की नहीं रही, मैं तो बकरे की नहीं रही। तो कह देना इनसे कि तुम्हारी भी नहीं रहेगी। अरिंदर जी, चुनाव आ रहे हैं यूपी में 2022 में, क्या ये हाथरस वाला कांड मुद्दा बनेगा? सारे मुद्दे बनेंगे। जिसका परिवार मर जाता है वो अपनी बात को रखेगा नहीं, जो कंधों पे लाश ढोई है इस कोरोना काल में वो भूल जाएगा। जो अपने परिवार को अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, गंगा में बहाया है, वो भूल जाएगा। या जिन्होंने गंगा के किनारे वो शमशान की जगह कब्रिस्तान में अपने परिवार की लाशें दबाई हैं, वो भूल जाएगा। और ये 7 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा है, ये भूल जाएगा। 7 साल पहले कैसे हम आंदोलन कर लेते, फांसी तो लगी आज, सजा तो सुनाई आज, और उससे पहले अपील कर देता मैं सुप्रीम कोर्ट में। बस आपकी लड़ाई किसान कानून है और कोई लड़ाई नहीं ना आपकी। क्या मान गए इस बात को? क्या चीज की लड़ाई हमारी किसान कानून हमारी कोई नहीं है। अब हमारी सारी है, तीनों तो अभी कहा नहीं। मैंने क्या कहा तुम्हें? ये फांसी लगने वाला कानून है। आपने तो अभी कहा फांसी तो हमें अभी लगी है। हाँ तो ये फांसी वाला है, पहले फांसी वाले नहीं थे, वो चल रहे थे धीरे धीरे। रोजगार का मुद्दा है, बच्चे जिस दिन से रोजगार पर लड़ रहे थे पिटे तब तो साथ नहीं। तूने क्या पहले क्यों ना उठाया मुद्दा? तब तो साथ नहीं। तूने पहले क्यों नहीं बच्चों का दिखाया? एक दूसरे पे उंगली उठाने का ही है। और कौन कह रहा हमने आंदोलन नहीं किए? 2018 में नहीं किया यहीं पे जा तू बैठा, 2013 में नहीं किया जंतर मंतर पे? कितने आंदोलन कर लिए किसान आंदोलन ने? 18 में क्या दिन करा? 2 दिन, 1 दिन। अरे जब यहाँ पिट के नहीं गए बताओ और क्या करवावे? तू तो चाह रहा कि इनकी हमारी गर्दन कट जा सबकी, किसानों की।